फिरोजाबाद मुठभेड़ में पकड़ा गया बुलंदशहर का फरार गैंगस्टर। दो साल पहले बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान होमगार्ड को गोली मारने का आरोपित गैंगस्टर फिरोजाबाद में हुई पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपित फिरोजाबाद के फरेगा का रहने वाला था। उसके पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि फरेगा के इकू गांव निवासी रफीक पुत्र सलीम 2018 में बुलंदशहर के जैन तिरागे पर चेकिंग के दौरान होमगार्ड को गोली मारकर फरार हुआ था। पकड़े जाने के बाद उसके खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई हुई। जमानत पर छूटने के बाद रफीक गायब हो गया। बुलंदशहर से 25,000 का इनाम घोषित था। गुरुवार को सीओ टूडला देवेंद्र सिंह की टीम के साथ नारठी के आलमपुर में मुठभेड़ में रफीक पकड़ा गया। उसके पास से बरामद बाइक चोरी की है, जो सिरसागंज से चुराई गई थी।